हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश फ्री लैपटॉप टैबलेट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के तहत जो हमने वीडियो बनाया था उस पर प्रूफ के बारे में कि ये देखिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट और काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं लगातार कि सर इसका कोई प्रूफ नहीं, हम क्यों इसको फार्म को भरे, आपने कोई भी प्रूफ नहीं दिया, ये फेक इन्फॉर्मेशन आप क्यों देते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने दो वीडियो बनाए थे, एक तो पहले वॉइस की प्रॉब्लम की वजह से उसमें कुछ वॉइस कट कट के आ रही थी, उसी वजह से दूसरा वीडियो बनाना पड़ा, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि शासन ने ऑनलाइन लिंक जारी कर दिया है, जिस पर आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल लैपटॉप टैबलेट या फिर किसी कैफ़े वाले के पास जाकर आसानी से ऑनलाइन फॉर्म करा सकते हैं। ये लैपटॉप टैबलेट के लिए शासन ने लिंक जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, उस पर काफ़ी सारे अच्छे रिव्यू आए और कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ, जो कि चैनल पर हमें लगता है नए जुड़े हुए हैं या फिर उन्हें किन्हीं कारणों पर विश्वास नहीं हुआ, और वो लगातार स्टूडेंट ने काफ़ी संख्या में लगभग 20% तो कमेंट ऐसे ही किए हैं कि ये फेक इन्फॉर्मेशन है और हम कैसे मान लें कि ये शासन ने लिंक जारी किया है, कोई भी यूनिवर्सिटी, क्योंकि ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी ने नोटिस नहीं निकाला है। हम पूरा कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट कर चुके हैं और वहाँ पर कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है जिस पर यह लिंक दिया गया हो और कहा गया हो कि आपको अप्लाई करना होगा, नहीं तो आपको टैबलेट नहीं दिया जाएगा, या कोई ऐसा लिंक जो कि नोटिस टाइप का यूनिवर्सिटी ने नहीं निकाला, तो हम कैसे विश्वास कर लें। और दो तीन स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो आरोप लगा रहे थे कि ये फेक इन्फॉर्मेशन है, आपके फेक इन्फॉर्मेशन आप देते हैं। तो फ्रेंड्स, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आखिर में इसके बाद उन्हें कन्फर्म हो जाएगा कि इस चैनल पर कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन, फेक डिटेल नहीं प्रोवाइड की जाती है। स्क्रीन पर आप नोटिस पढ़ पा रहे होंगे, कुछ ब्लर है, जैसे ही ये बिल्कुल सही बिल्कुल फ़ोटो हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी, आपके पास इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ बना के हम डाल देंगे। अभी ये हमारे पास उपलब्ध हुआ है, इसमें कुछ फ़ोटो सही नहीं, कुछ ज़्यादा ब्लर है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर सेवा में प्राचार्य डीन निदेशक विभागाध्यक्ष, यहाँ पर है विषय दिया गया है उत्तर प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना लागू किए जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर डाटा उपलब्ध कराने हेतु। यहाँ पर ये देखिए कहा जा रहा है कि उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया गया है कि शासन को प्रेषित की जाने वाली सूचना जिन महाविद्यालयों संस्थानों द्वारा प्रेषित की जा चुकी है उनको छोड़कर संबंधित महाविद्यालय दिए गए लिंक, ये देखिएगा लिंक, ये लिंक है HTTP:// आप थोड़ा यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहे, ये OS5Q58XW, ये लास्ट में 851A, यहाँ पर आप अगर कुछ सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक दिया गया है। ये जो लिंक आप सही से देख नहीं पा रहे हैं या आपको पढ़ने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो जो भी इस लिंक में लिखा है, जो जो अक्षर लिखे हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन सारा कुछ एक एक अक्षर आपको इस वीडियो में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, पूरा लिंक यहीं पर, और आप देख सकते हैं कि जो भी उत्तर प्रदेश जो भी वो शासन ने जो निकाला है यूनिवर्सिटी के माध्यम में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से ये नोटिस आया है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कमेंट करेंगे कि सर हमने कानपुर यूनिवर्सिटी पर पूरा विजिट कर लिया है वेबसाइट पर, वहाँ पर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिस नहीं आया, तो आपको ये कहाँ से मिला। तो फ्रेंड्स, हम बहुत सारे बार बता चुके हैं कि कुछ ऐसे नोटिस होते हैं जो डायरेक्ट आपको कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं उपलब्ध कराए जाते हैं, वीडियो में हम बात कर चुके हैं, और ये ऐसा ही नोटिस है जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी ने जारी अपनी वेबसाइट के माध्यम से जारी नहीं किया है, लेकिन महाविद्यालयों तक ये नोटिस पहुंचा दिया है, जिस पर कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस लिंक पर दिनांक 3/11 यानी 3 नवंबर तक प्रत्येक दशा में अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें, जिससे कि शासन को संबंधित डाटा प्रेषित किया जा सके, यानी 3 नवंबर ही इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। तो फ्रेंड्स, हमें लगता है
अब आपको जो भी डाउट आपके मन में थे कि ये फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई इस वीडियो में, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, इस चैनल के द्वारा कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं प्रोवाइड करी जाती, क्योंकि आपका टाइम अमूल्य टाइम है और इसको वेस्ट करना हमारा मकसद नहीं है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, आपको कुछ जानकारी मिले जो आपके हित की हो, यही हमारा ध्येय है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही इस ये नोटिस का आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका सही फॉर्मेट इसकी मिलेगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ब्लर है, लेकिन आप तब तक सर्च कर सकते हैं कि यहाँ पर जो लिंक दिया गया है HTTP करके, बिल्कुल वही हमने एक एक कॉपी करके पूरा बना के उसको जब सर्च किया तो वही फॉर्म खुलता है। शेयर नहीं की जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप विस्तृत इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लग रहा है कि ये नोटिस कानपुर यूनिवर्सिटी का नहीं है, कैसे माने, तो आप अपने नियर बाई जो भी महाविद्यालय हैं उनके प्राचार्य, उनके प्रबंधक या फिर उन डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल आपको हूबहू बिल्कुल सेम नोटिस मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हमें लगता है आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो गई है। अब आपके जो भी क्वेश्चंस हो जिनका अभी तक आपको आंसर ना मिल पाया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।